वेल दोस्तों, आप सबका रीबल अरे में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आइसक्रीम गेम थ्री का स्पेशल वीडियो के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर अनपंचुअलिटी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ अपनी वीडियोस के साथ। मैंने कहा था कि संडे को ये वीडियो आ जाएगी, बट लंबी पड़ रही थी इसलिए मैंने पार्ट टू डिसाइड किया, और पार्ट टू भी रिलीज़ नहीं हो पाया तो मैंने मंडे कहा, और मंडे भी मैं रिलीज़ नहीं कर पाया, ट्यूसडे में निकल गया, और वेडनेसडे को ये वीडियो रिलीज़ हो रही है। बहुत लेट हो रही है, और पिछली वीडियो भी करीबन लेट हो ही गई थी। मंडे को मैंने रिलीज़ की थी 1 बजे, मतलब संडे ख़त्म होते ही 1 बजे। तो हाँ, मैं थोड़ा लेट ज़रूर हो रहा हूँ वीडियोज़ के साथ, बट हाँ, मैं वीडियोज़ कंटिन्यूसली लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली वीडियो जो ग्रैनी है वो भी आ जाएगी संडे तक नहीं, मैंने थर्सडे कहा था। थर्सडे से थोड़ा लेट हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, बट संडे तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि संडे से तो हर हाल में पहले ले आऊं। और हाँ, और भी मैंने कई वीडियोस डिसाइड कर रखी हैं, वो भी मैं लाऊंगा। तो हम आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसे फील तो होता है कि यहाँ पे आसपास पे कोई है घूसखोर को में, बट इसे पता नहीं चलता ये कौन है। तो गाइस, हमें मिल गया हमारा हैट भी, और आई थिंक सो हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है कि सर्कस में कैसा होता है। मेरे को सिस्टम दिखाना है कि कैसे वो होमलेस गाय को हम ये सब देते हैं और वो चाबी देते हैं। गाय थी एक बार खुला जरूर था, तब मुझे पता है। मैंने आपको शायद चार्ली और लीसा की जो बातें थी वो तो बता दी थी। ये देखिए, पहले यहाँ पर नहीं होती थी ऐसी चीजें, और ये लीजिए, ये होमलेस गाय। चाबी है जो ये अभी दे नहीं रहा, लेट्स ट्राई इससे लेना। ओ अभी देखो गाय देता नहीं तब तक, से एक और चीज देनी है। गाइस, ये है सर्कस वाला एरिया, मतलब ये की है इस जगह की। यहाँ से हम कुछ भी खोल सकते हैं, देखिए खुल गया। ये एक जगह है, वैसे अगर उसके पास एक की है, ये देखिए, ये है द वुडन येलो हॉर्स। यहाँ पे सब यही है, क्योंकि ये इसकी जरूरत होती है। तो गाइस, मैं इसे अब जाके लगा दूंगा। पहले आपको वो बॉक्स पिछले एपिसोड में मैंने दिखाई दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। अब मैं इस वुडन हॉर्स को यहाँ रख देता हूँ, और अब हमारा एक एक्टिविटी बचा थी जो मेरे को आपको दिखानी है, वो थी शॉपिंग सेंटर में। गाइस, हम शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं। गाइस, हमने पिछली बार भी दिखाई थी, हमें आपको 2-3 मेन चीज़ें दिखानी है इस शो में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। शायद मैंने इस एपिसोड में ये दिखाई थी, अब चीज़ आपने देखी होगी। मुझे तो क्यों लग रहा है कि मैं अभी भी इसके अंदर नहीं, इधर मैं कुछ ढूंढ। ये देखेगा, ये केज, अच्छा इसका पैडल लॉक, मैं आपको पैडल लॉक खोल के दिखाऊंगा। बहुत अजीब चीज़ होती है, ज़्यादा लोग अभी तक इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाया हूँ अभी तक। तो ये था वो एरिया शॉपिंग वाला, आप जानते ही होंगे इस एरिया को। पर इसमें एक चीज़ थी जो मेरे को आपको दिखानी थी, वो आखिरी 2-3 एक्टिविटीज़ पड़ी थी, वो तो मैं आपको बाद में दिखाई दूंगा। यहाँ पे एक बहुत मस्त चीज़ थी जो मेरे को आपको दिखानी है, ये देख लीजिए गाइस, ये आपको दिख ही रहा होगा, मेरे हाथ में एक रॉड है, फिशिंग रॉड। ये हमारे दूसरे वाले रॉड से कई गुना पोलाइट और अच्छी है, और ये हमारी फिशेस पकड़ने में मदद करने वाली है। देखिए गाइस, हम फिश कैसे पकड़ते हैं। वेल, मेरे को ये फेंकना है इस तरीके से,
ये नहीं, गोल्ड गोल्ड फिश का है, गोल्ड फिश, गोल्ड फिश, गोल्ड फिश। कोई नहीं मिला गाइस। गाइस हम होमलेस गाय के शूज ले आए हैं, अब आया तुमसे ये हमें चाबी दे देगा, इसने हमें सर्कस की चाबी दे दी। ओह नो, ऐसे नहीं। तो अपने लीसा को तो ले लिया है, पर अभी भी देखिए मैंने बहुत ब्राइट कर दिया क्योंकि बहुत डार्कनेस थी। तो गाइस अब हमें बस सर्कस में जाके चाली को लेना है और उसके बाद बस शॉपिंग सेंटर के दो तीन कार है। दोस्तों हमें चाली भी मिल गई है, पर अब मेरे को लगता है शॉपिंग सेंटर जाने का टाइम आ चुका है। Congratulations, Rod, for your 15th birthday. Be strong. We heard about the death of Joseph Sullivan. I wish I could be with you right now, but the Lord requires me here a little more. Congratulations, Rod, for your 16th birthday. Even though I can't come to you, you can visit me whenever you want. Don't resent me for not seeing you. If you knew why I can't go see you. Congratulations, Rod, for your 17th birthday. Please. Come see me, I ask you. Congratulations, Rod, for your 18th birthday. Congratulations, Rod, for your 19th birthday. For your 20th birthday. 21st birthday. 22nd birthday. 23rd birthday. 24th birthday. Congratulations, Rod, for your 25th birthday. This will be the last time I write to you. It seems that nothing I say is enough for you to come back to me. Even so, I never stop dreaming of the day you and I meet again. We have so much to talk about. I want to hug you like when you were 4 years old and you were with me. Keep the book I give you as your most precious asset, for I will reveal a secret that only Joseph Sullivan knew. He stole it from me, but now I give it to you, thanks to the fact that more time has passed. I have been able to improve the formula. You are my son, and you deserve it all. I will give you the opportunity to synthesize an extraordinary chemical compound with equal force to create a sparkling sun of life or a moon full of death. Warmly, your mother, who will always be with you, Sister Madeline, S.M. वो दिस वाज कूल, वैसे मैं शॉपिंग सेंटर नहीं जाना, बट गाइस ये सबसे मेन चीज़ थी जो मेरे को आपको दिखानी थी। आया तो मैं फंस जाऊँगा, मेरे को वो ढूंढना है साइकिल वाली चीज़, और मेरे को पता था कि ये आएगा तो ये मेरे को दिखा रहा था, तो मैं साइकिल वाले एरिया में चलता हूँ। मतलब स्टॉल के बाद एंड में बहुत अजीब चीज मिलेगी जो उस चीज को लिफ्ट करेगी। उसके बाद हमें एक बाइक मिलेगी, हमें एक टास्क खत्म करना है और वो टास्क मेरे को आपको दिखाना है। और टास्क के खत्म होते ही गाइस हमें वो एक हॉर्स दे देगा, उस हॉर्स से हमें अपनी कीज मिल जाएंगी और फिर मैं आपको सीक्रेट दे। तो गाइस गाड़ी ये मतलब हमारे को मोटर बाइक मिल गई, अपनी स्मॉल मोटर बाइक है, तो उठा लिया है। और अब हम गाइस वो टास्क खत्म करेंगे और उसके बाद आपको सारी स्पेशल चीज़ें दिखाऊंगा इस एपिसोड के लिए, और उसके बाद आइसक्रीम गेम एंड हो जाएगा। तो बस हम एंड ही करना है गाइस। ओ यार ये कितना सफल होता है, बेकार है यार ये।
सिस्टम बहुत खराब है ये वाला। ग्राने के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, मुझे 39 पे हमें वहाँ पे होना चाहिए था स्टे उसके आस पास पे, तब भी ख़त्म नहीं होता ये कई बार। ओह शिट हम लेट है बहुत, आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ये, इवन दो मैं ट्राई ट्राई कर रहा हूँ गाइस पूरा। बाइक ही बहुत देर तक नहीं चला पाया मैं, तो मैं तीसरी बार मैं कंप्लीट कर लूँगा क्योंकि मुझे समझ आ गया बाइक को कैसे ड्राइव करना है। और ये चलो P2 तक हम यहाँ पहुँच गए, 47, 46, नाइस हम वहाँ पे 39 तक पहुँच जाएंगे, 40, 41, 39 निकल गए। इस बार हम पहले से काफ़ी तेज है बट स्टिल पहुँचने के चांसेस कभी दिखाई नहीं देंगे। 31 पे 17 तक हमें दूसरे एरिया तक पहुँच जाना है, अभी 27 हो गए, 10 सेकंड में हमें वहाँ पे होना है। अब 3 सेकंड में मैं अपना एरिया नहीं कवर कर पाऊँगा, 18, 17 पीछे हम 1 सेकंड पीछे चल रहे हैं, 2 सेकंड नो आए हम थोड़े से ही पास तक की बात है तो जल्दी जल्दी 6 सेकेंड 3, 2 नो। यस गाइस हमने कंप्लीट कर दिया चौथी बारी में, बहुत सही है ये, हमें अपना रेड हॉर्स भी मिल गया जो मेरे को आपको दिखाना था। और अब सबसे मेन चीज़ें मेरे को ओ इस पे आ गया। वेल एक चीज़ है और, अगर मैं रियल गेम खेल रहा होता तो मैंने ये देखा है कि इसमें अगर हम चढ़ जाते हैं इस वाटर वाले एरिया में तो जो रॉड है हमारा पीछा करते करते अंदर नहीं आ पाता है, ये बहुत मस्त चीज़ है। और अब हम चलेंगे हमारे कैंपिंग सेंटर, अब हम ऊपर पहुँच गए हैं तो अब गाइस कंप्लीट हो गया है ये, हमारी पूरी गेम कंप्लीट हो चुकी है। वैसे इसमें कोई म्यूज़िक नहीं आ रहा, ये अजीब बात है, यूजुअली आता है, फुल वॉइस कर रखे मैंने, कुछ भी नहीं आ रहा है, अजीब बात है, क्योंकि जब आवाज़ें नहीं आती तब बड़ा अजीब लगता, चलने की भी आवाज़ नहीं आती। Together. You're a great team. Hi, Kate. No. Did you think I'm dumb? We are a great team. Please. No. You're a... और गाइस हम पकड़े गए, अब बस मैं ये सल्यूशन लूंगा और नीचे उतर जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ अजीब चीज़ें। तो दोस्तों इस गेम का एंड हो गया है, वैन चली गई है, पर आगे भी एक दो चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है, बहुत इम्पोर्टेंट, ख़त्म नहीं हुई वीडियो, अभी कुछ अजीब चीज़ें हैं। तो गेम कंप्लीटेड टू बी कंटिन्यू, तो आइसक्रीम गेम 4 के आने के बहुत चांसेस हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम होम में आ चुके हैं और अब मैं वापस खेलूँगा, तो इस बार मैं सल्यूशन पीऊँगा और फिर आपको एंड दिखाऊँगा। स्किप कर दिया गाइस मैंने, और अब हम नीचे जाएंगे, जाके सबसे पहले हम सल्यूशन लेंगे और सल्यूशन पीने के बाद मैं मोटा हो जाऊँगा, ये एक सीक्रेट है। अब आप देखो
तो गाइस मैं मोटा हो रहा हूँ, ओ कितना मोटा हो रहा हूँ मैं, आई थिंक सो मेरी स्पीड भी कम हो जाएगी, बड़े अजीब तरीके से मोटा हुआ हूँ मैं। लेट्स सी हमारी स्पीड को क्या होता है। ओह कितना स्लो हो गया है गाइस, देखो मूवमेंट बहुत स्लो है, बहुत ही ख़राब लग रहा है, चला भी नहीं जा रहा ढंग से। वेल हमें की चाहिए, की ले लेता हूँ, और उसके बाद आपको अजीब हमें इसमें अपने आप ही मरना पड़ता है, मतलब रॉड के पास जाना पड़ेगा मेरे को, चाहे मैं चाहूँ चाहे मैं ना चाहूँ। पहले मैंने ट्राई कर चुका हूँ एक बार शायद, तब मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का पास में, पर जाना पड़ता है, मैंने देखा था कई वीडियोस में भी। काश हम इसे खोल पाते किसी तरीके से। गाइस हमें पास तो जाना पड़ेगा, मेरे को तेरी आइसक्रीम्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, अभी खाई है, मोटा हो गया हूँ पागल बंदा सा। वरना गाइस पास तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। चलो पास चलते हैं गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पकड़े गए गाइस। तो गाइस इस सीरीज़ यानी कि आइसक्रीम गेम 3 थर्ड पार्ट का एंड हो गया है। आप एडिटर्स और सारे जो इस गेम के मेकर्स हैं उन्हें देख सकते हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं अगर आप उन्हें जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। इन पिक्स को आप देख सकते हैं, कुछ आइसक्रीम गेम 1 से हैं, कुछ आइसक्रीम गेम 2 से हैं। ये कैपलर्स की कंपनी ने बनाई है गेम, और इसका प्रोडक्शन आर्ट और प्रोग्रामिंग सब देख सकते हैं आप। और आप कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और आप पिक्चर्स देख सकते हैं। ये मिस्टर रॉड ही है जो मोटा होता था कभी, मिस्टर रॉड की सारी अजीब अजीब इसमें पिक्स हैं, मतलब पिक्चर्स आ रही हैं। ये आइसक्रीम गेम 2 में था, शायद 1 में था, मेरे को याद नहीं है ढंग से, 1 में था आई थिंक, हाँ 1 में भी था और 2 में भी था, मैंने 2 भी डाल दी थी शायद, और ये 2 में था पक्का, जो बिल्ली हमारे पीछे पड़ गई थी आपको याद होगा। आइसक्रीम गेम 3 के तो बहुत पार्ट बने हैं, सबसे बढ़िया पार्ट्स में से एक रहा है। आइसक्रीम गेम 3 ने 40 प्लस व्यूज़ पाए हैं कई वीडियोस पे, तो ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस पे तो फॉल करता ही है, 70 तक नहीं 50 तक नहीं बट 40 क्रॉस कर चुके हैं कई वीडियोस, तो बढ़िया चल रहा था आइसक्रीम वर्जन। बट अब हम आइसक्रीम गेम या केपलर्स की वीडियोस नहीं डालेंगे काफ़ी टाइम तक, केपलर्स की बस एक ही सीरीज़ डालेंगे जो कि है ईवल नन। तो बस आज के लिए, आज की गेम के लिए इतना ही, यही सबसे कूल चीज थी जो आज देख के आपको काफी हद तक शॉक लगेगा। देखिए इट्स ओवर, फाइनली द वेटिंग टाइम इज ओवर, आई विल फाइनली रिटर्न विद माय प्रेशियस सन। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। आइसक्रीम वर्जन खत्म हो गया है, इसके बाद मैं नहीं डालने वाला हूँ, एक साल तक कम से कम एक वीडियो डालूंगा, वो भी अपडेट के बाद। के प्लस की बस एक ईवल नन आएगी और कोई वीडियो नहीं आएगी ज़्यादा। और हाँ आप सोच रहे हो कि मिस्टर मीट क्यों नहीं, तो यार बहुत ही बेकार वर्जन है उसका, पिछला वर्जन होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, बट उसका जो मैंने अब वाला वर्जन खेला वो बहुत ही घटिया है, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं उसमें आपको कुछ खास दिखाई नहीं पाऊँगा, मैं सिर्फ आपको गोस्ट मोड में खेल के दिखा सकता हूँ। अगर आप चाहो कि मैं गोस्ट मोड में खेल के दिखाऊँ तो कमेंट दे देना। और ग्रैनी की वीडियो बहुत जल्द आने वाली, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, वो अगली वीडियो होगी। और इस सबको छोड़ते हुए यार बहुत मुश्किल एडिटिंग लगी है, हर क्लिप की मैंने वॉइस मतलब जो आवाज़ है वो बदली है, हर क्लिप में मैंने चेंजेस किए हैं, हर क्लिप में मैंने ट्रिमिंग की है, और सारी क्लिप्स में मैंने अलग एडिटिंग की है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिले, मैं हफ्ते में 2 वीडियोस तो डाल ही देता हूँ। और हाँ गाइज सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करो, जितने लोगों को हो सके करो, ताकि मेरे चैनल थोड़ा सा फेमस हो, थोड़ा पॉपुलर हो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सोनी विगास 13 प्रो खरीदने वाला हूँ या 17 प्रो खरीदने वाला हूँ, जिससे मेरी तगड़ी एडिटिंग हो, एक कंप्यूटर भी खरीदने वाला हूँ बढ़िया सा, जिससे मेरे बहुत बेहतर वर्जन्स डाल सकूँ। तो यार मैं इतना सारा कुछ कर रहा हूँ, तो कम से कम शेयर कर दो, लाइक्स दे दो, कमेंट्स दे दो। तो बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय।